नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने माधवपुर घाट परसिया भवानी नगर बांध का निरीक्षण किया। साथ ही साथ ग्रामीणों से इलाके का हाल चाल भी जल शक्ति मंत्री ने जाना और औरैया टिकैत गांव पहुंचकर हर घर पेयजल योजना का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा अधिकारियों के साथ जल शक्ति मंत्री ने एक अहम बैठक भी की है। मानसून बरसात आने वाला है, उसे बाढ़ नहीं आना चाहिए, लेकिन बाढ़ को लेकर सरकार के निर्देश है कि सभी स्थलों का निरीक्षण होना चाहिए। पहले से उसकी तैयारी गाँव का नुकसान नहीं होना चाहिए, खेत का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि बाढ़ के पहले जो तैयारी हम लोग कल उसी के निमित्त आज निरीक्षण करने आए थे। सरकार की मंशा है कि लखनऊ के उजरियाव में गुल फाउंडेशन ने बच्चों के वेकेशंस को क्रिएटिव बनाने के लिए छात्र छात्राओं के लिए ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रिटायर्ड चीफ जस्टिस जुबैर अहमद और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशुतोष मौजूद रहे। वैसे आर्ट कॉम्पिटिशन में 16 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल रहे और 3 बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लखनऊ में समर कैंप को यादगार बनाने के लिए एक कैंप के दौरान ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। वही इस कार्यक्रम के दौरान 16 साल से छोटे बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 3 अच्छी पेंटिंग्स बनाने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। बदायूं में 116 शेखुपुर विधानसभा जगत में जिलाध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसी के साथ सेवा बस्ती में स्वच्छता अभियान और मेधावी बच्चों को सम्मानित भी किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष में बदायूं में महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जनपद के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के एक लंबे सफर के दौरान उनकी उपलब्धियां भी इस कार्यक्रम में गिनाई गई। गायों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह जगह गौशालाएं बनवाई हैं, जिसमें गायों को रखा जा रहा है, जिसके साथ ही उनके पानी, भूसा और चोकर की व्यवस्था भी सरकार द्वारा ही की जा रही है, जिसके बावजूद जिम्मेदारों की लापरवाही गायों की जिंदगी छीनने को मजबूर है। पूरा मामला अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज ब्लॉक अंतर्गत करौदी मिश्र ग्राम सभा में 100 से ज्यादा जानवर हैं, लेकिन सभी जानवरों की संख्या लगातार घटती हुई नजर आ रही है। जबकि गौशाला में मौजूद लोगों ने बताया कि जानवरों के लिए पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे लगातार भीषण गर्मी के बीच उनकी मौत हो रही है। पशु आ गए हैं मतलब उसमें रख लिए जाते हैं, तो जैसे आज विदेश में कोई आ जाएगा तो बढ़ जाएंगे। घटती नहीं कभी है? घटने का कोई कारण नहीं है। अरे अब जो बीमार होंगे हाँ मर जाएगा, अब किसी को फिक्स है। किस तरह से बिना पानी के भीषण गर्मी के बीच जानवर मरने को मजबूर है, वही जिम्मेदारों की लापरवाही इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। जहां एक तरफ योगी सरकार गौशालाओं को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और लगातार ये भी आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भी गौशाला में जानवर है उनको सुरक्षित रखा जाए, उनके चारे पानी की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते जो जानवर है वो अपनी जान गंवाने को मजबूर है। एक ऐसा ही ताजा मामला अंबेडकर नगर से भी सामने आया, जहां भीषण गर्मी के बीच बिना पानी के जानवर मरने को मजबूर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जिम्मेदारों की एक बड़ी लापरवाही इसमें निकलकर सामने आ रही है, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है?
जी अगर हम कार्रवाई की बात करें तो अभी कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र का किया गया, आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी। जो बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होती हैं, उनसे बात हुई हमारी इस विषय पर लेकर, और वहाँ पर गायों के पानी को लेकर अब बहुत ही लापरवाही बरती जा रही है। इस भीषण गर्मी में आम जनमानस का हाल है तो बेजुबान जानवरों का किस तरीके का हालत होगा वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। वहाँ की पानी की किल्लत है, पानी की समस्याओं को लेकर वीडियो से जब बात की गई तो उन्होंने कहा बहुत जल्द ही इस व्यवस्था को देखा जाएगा। राहुल, अगर देखा जाए तो लगातार जानवरों की जो मौत हो रही है, फिर आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी अगर जिम्मेदारी की बात करें तो वहाँ पे एक कमी और दिखाई दी। पानी की तो कीमत पानी की कमी तो थी ही, लेकिन वहाँ पर कोई भी डॉक्टर वहाँ पर उपस्थिति नहीं थी, मतलब ऑन ड्यूटी वहाँ पर देखा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि समय से इलाज न मिल पाना जानवरों का जो मर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है डॉक्टर की। धन्यवाद राहुल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर अंबेडकर नगर से आपने सुनी, जहां पर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते जो बेजुबान जानवर है वो मरने को मजबूर है। सिद्धार्थनगर जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक झोपड़ी में अस्पताल चल रहा है और फर्जी डॉक्टर द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पूरा मामला जनसेवा अस्पताल के बगल का है, जो कि चैनपुर चौराहे के पास स्थित है। जनसेवा अस्पताल, जिसे प्रशासन ने डॉक्टरों और मानक पूरा नहीं होने के कारण इस अस्पताल को सीज कर दिया था, वह इस मामले पर CMO ने कहा कि ये मेरी जानकारी में नहीं है। जनसेवा अस्पताल में उस समय के DM और CMO द्वारा जांच किया गया था और बहुत सारी अनियमितता भी पाई गई थी। तो आप देख सकते हैं सिद्धार्थनगर में किस तरह से जो फर्जी हॉस्पिटल और जो फर्जी डॉक्टर है वो किस तरह से मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह एक झोपड़ी के नीचे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं अगर बात करी जाए तो ये हॉस्पिटल जो है वो जनसेवा हॉस्पिटल के बगल में ही स्थित है। वह इस हॉस्पिटल को पहले भी संबंधित अधिकारियों द्वारा सीज कर दिया गया था। देखिए मेरी जानकारी में नहीं है, हाँ ये जनसेवा हॉस्पिटल जो है सील किया गया था, वहाँ जो हमारे बर्डपुर के अधीक्षक हैं उसके और वहाँ के तहसीलदार के द्वारा सारे, उसमें कारण ये था कि उसमें जिलाधिकारी महोदय ने और एक बार तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने कोई निरीक्षण किया था, उसके बाद एक बार SDM साहब भी गए थे, उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ पाई गई थी। उस तत्कालीन उसको चैनपुर चौराहे का जो अस्पताल था, जनसेवा हॉस्पिटल, उसको बंद कर दिया गया। संबल में जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पर स्वच्छता जिला सलाहकार सुरेंद्र कुमार ने ग्राम पंचायत मऊभूड़ के पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय का स्थलीय निरीक्षण किया, जबकि पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, फिर भी उसमें फर्नीचर, कंप्यूटर और पेंटिंग का काम पूरा नहीं होने की वजह से उसे क्रियाशील नहीं किया जा सका है। जबकि इस निरीक्षण के दौरान कई चीजें भी खुलकर सामने आई, जहाँ स्वच्छता परिसर की दो दीवारें क्रैक मिली, जबकि मुख्य दरवाजे का एक हिस्सा भी चोरी कर लिया गया है। वही अब इस मामले को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे सुरेंद्र कुमार ने ग्राम प्रधान और सचिव पर कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। तो खबर संभल से सामने आ रही थी, जहां पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय का स्थलीय निरीक्षण करने पर काफी सारी कमियां पाई गई, जिसके बाद निरीक्षण करने पहुंचे सुरेंद्र कुमार ने ग्राम प्रधान और सचिव पर कार्रवाई किए जाने का भी निर्देश जारी कर दिया है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड के नहर पुल पर सड़क पर ही दो पक्षों के बीच विवाद देखने को मिला। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जबकि दोनों पक्षों के पुरुष और महिलाओं में जमकर लाठी डंडे चले। वही मारपीट का वीडियो राहगीरों ने बनाया और पुलिस को मामले की जानकारी भी दी। वही इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।
बुलंदशहर में अपराध नियंत्रण, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की टीम एक्टिव दिखाई दे रही है। एसएसपी के संवेदनशील स्थानों, मार्गों, बाजारों में पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वह इस मौके पर अधिकारियों का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करे और किसी भी प्रकार के अफवाह को तूल ना दे और तत्काल ही 112 नंबर और संबंधित थाना प्रभारी को अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसकी सूचना दे। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत गांव खुर्रमपुर में एक ग्रामीण ने नेता पर आरोप लगाते हुए संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। वह पीड़ित युवक ने इस मामले की शिकायत एसडीएम कोल से भी की है, जिस पर तहसीलदार और लेखपाल ने जमीन का विवरण भी पेश कर दिया था। लेकिन इन सबके बावजूद पीड़ित का इस मामले पर कहना है कि नेताओं के चेले उनकी जमीन पर अभी भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके पूरे खेत की जुताई भी दबंगों द्वारा करवा दी गई है। मेरी जमीन है, मैंने एक साल पहले अपनी वाइफ के नाम से खरीदी थी और उस पर गांव का ही व्यक्ति है, उसके पिता ही पूर्व प्रधान है और अमित कुमार नाम है उसका, पूर्व में जिला उपाध्यक्ष रहा है वो युवा मोर्चा में, तो उसकी दबंगई के बल पर मेरी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है, जिस पर कि मेरा ट्यूबवेल वगैरह सब लगा हुआ है और उसके बीती रात ताले वगैरह तोड़ दिए हैं और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।